साउथ के सुपरस्टार एक्टर यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। जबरदस्त एक्शन और इमोशन से भरी इस फिल्म का पहला पार्ट ब्लॉकबस्टर हिट रहा था और फैंस को लंबे वक्त से इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार था। फिल्म का दूसरा पार्ट पहले पार्ट से भी ज्यादा कामयाब रहा और फिल्म ने पैन इंडिया जबरदस्त बिजनेस किया है। फिल्म का बिजनेस कमाल कर रहा है। अभी भी ये फिल्म सिनेमा घरों में बनी हुई है। देश की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनी KGF 2। KGF 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बाहुबली 2, दंगल और RRR के बाद चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन गई। फिल्म के पहले पार्ट में जहां अधिकतर स्टार साउथ के ही थे, वहीं सेकंड पार्ट में संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे बॉलीवुड सितारे नजर आए। शनिवार को फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए रमेश वाला ने ट्विटर पर लिखा, केजीएफ चैप्टर 2 ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। रमेश वाला ने लिखा, दंगल, बाहुबली 2 और RRR के बाद एक चौथी फिल्म है जो 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है। केजीएफ चैप्टर 2 दुनिया भर के सिनेमाघरों में 14 अप्रैल को रिलीज हुई थी और ओपनिंग डे पर ही इस फिल्म ने 134 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया था। फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 का सीक्वल है और इसमें उन्होंने एक बार फिर रॉकी का रोल प्ले किया है और अब देखना है कि क्या होगा। फिल्म 1500 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। एक तरफ जहां यश की फिल्म केजीएफ बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ बिजनेस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि यश ने पान मसाला ऐड के लिए करोड़ों की डील रिजेक्ट कर दी है।